टोंक से अहम खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का देवली उनियारा का अहम दौरा आज रहा। सीएम सभास्थल के पास सेफ हाउस में चुनाव का फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देवली उनियारा विधानसभा सीट का चुनावी फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर रहे हैं। सीएम ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। देवली उनियारा विधानसभा सीट का चुनावी फीडबैक ले रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर रहे हैं। 7 अहम सीटें उपचुनाव के लिए प्रदेश में और ऐसे में सभी सीटों पर जीत का दावा बीजेपी कर रही है और बीजेपी सरकार की तरफ से भी, प्रदेश सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश जारी है और यही वजह है कि आज का ये दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट की अपील भी सीएम ने की। और चलिए टोंक से सहयोगी वजाहत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वजाहत, अहम दौरा आज मुख्यमंत्री का ये रहा, फिलहाल अपडेट चाहेंगे इस वक्त क्या कार्यक्रम आगे सीएम के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे पिछले करीब 1.5 घंटे से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो उनियारा में मौजूद है। उनियारा के खेल स्टेडियम में चुनावी सभा जो है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं देवली उनियारा के राजेंद्र गुर्जर, उनके समर्थन में सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जैसा कि चिरपरिचित अंदाज है सीएम भजनलाल शर्मा का, जिस तरीके से अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाते हैं और उसके बाद जो विपक्षी पार्टी है उस पर लगातार हमलावर होते हैं, निशाना साधते हैं, उसी चिरपरिचित अंदाज में आज सीएम ने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी जो सरकार की उपलब्धियां थी वो जनता के बीच रखी और बताया कि किस तरीके के 10 महीने के कार्यकाल में भाजपा ने जो सौगातें दी हैं प्रदेश की 8 करोड़ की जनता को, वो तमाम सौगातें यहाँ पर गिनाई। सीएम ने यह भी कहा कि देवली उनियारा से विधायक हमारा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ पर हजारों करोड़ों की जो विकास कार्य थे उनके यहाँ पर बड़ी बड़ी सौगातें जनता को दी हैं। उन्होंने कहा कि हम खुले मन से काम करते हैं। फिलहाल सीएम अभी भी यहाँ मौजूद हैं। जनसभा जो है वो जरूर खत्म हो गई है, लेकिन जनसभा के पीछे एक सेफ हाउस बनाया गया है, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनाव की जीत का मंत्र जो चुनिंदा कार्यकर्ता है कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर दे रहे हैं, संवाद कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो फीडबैक है अब तक का देवली उनियारा विधानसभा का चुनावी फीडबैक वो यहाँ पर ले रहे हैं। जी वजाहत, बिल्कुल संवाद कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं और फीडबैक भी चुनाव को लेकर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ और कितना वक्त है जब सीएम यहाँ पर रुकेंगे, आगे भी क्या कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मदन राठौड़ वो यहाँ पर मौजूद हैं, पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जो हैं वो मौजूद हैं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश महामंत्री भाजपा के जो दामोदर अग्रवाल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले करीब 20 मिनट से सीएम सेफ हाउस में ही जो चुनिंदा कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं उनसे पूरा जो देवली उनियारा का चुनावी फीडबैक है वो ले रहे हैं, संवाद कार्यकर्ताओं से ले रहे हैं। अब से कुछ थोड़ी देर बाद सीएम यहाँ से सड़क मार्ग के जरिए जयपुर रवाना होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वजाहत अख्तर आपका इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।